हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज 3 जुलाई के दिन सेलिब्रेट हम कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा। कहते हैं गुरुजी भगवान नहीं होते, पर भगवान से कम भी नहीं होते। कहते हैं गुरुजी अगर जीवन में हैं तो वो हमें बहुत सही राह दिखाते हैं। ये मेरा भी मानना है, संगत का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे जीवन पे। वैसे तो कहते हैं ना कि जीवन में इंसान कुछ भी कर सकता है अपने मेहनत के बलबूते पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि संगत बहुत ज़्यादा उसमें मायने रखती है। ऐसा मैंने खुद भी बहुत बार महसूस किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने स्टूडियो में बैठ के पढ़ता हूँ, एक मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ, एक मैं घर पे बैठ के पढ़ता हूँ, तो मुझे इन तीनों में बहुत बड़ा महसूस होता है, अलग अलग फ़र्क महसूस होता है। प्रोडक्टिव आवर्स निकलते हैं अलग अलग। लाइब्रेरी में थोड़े ज़्यादा इसलिए निकलते हैं, उसका कारण ये है कि वहाँ पे सभी बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो अपने आप से मन में यूँ लगता है कि यार हमें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसा माहौल है। अपने स्टूडियो में जब मैं बैठा रहता हूँ तो यहाँ पे ऐसा माहौल रहता है क्या कि मैं पढ़ाऊँ, कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ, कुछ बच्चों को ये वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ जिससे उनके एग्ज़ाम में मदद मिले। घर पे रहता हूँ तो वो एक ऐसा माहौल रहता है कि हाँ घर है तो घर परिवार के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, सामाजिक तो थोड़ा सा जीवन जीने का मन रहता है, किचन में कुछ खा लो, कुछ बना लो, कुत्ते बिल्ली के साथ खेल लो, कुछ इस प्रकार का, बाग बगीचे में चले जाओ, फ्रूट्स तोड़ लो, या वैसे ही मतलब घूम लो फिर लो, इस टाइप का है माहौल। वाकई बड़ा ज़रूरी है, दोस्तों के माहौल है, दोस्तों की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे दोस्त है, किस तरीके के आपसे वो बातें करते हैं, तो गुरुजी भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट माहौल पैदा करते हैं। तो खैर, एक अच्छा जीवन में गुरु मिलना भी बहुत नसीब वाली बातें होती है। मुझे तो खैर बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि बहुत अच्छे गुरुजी मिले, जो आज एक अच्छे राह पे या एक अच्छे कार्य के अंदर मैं लिप्त हूँ। जो एजुकेशन कार्य है वो गुरुजी की ही देन है कहिएगा। और एक अध्यापक होने के नाते मैं आप लोगों को अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी वाला आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर थोड़ी खुशहाली बटोर पाएं, जीवन के अंदर जो सपने आप लेके चले हैं वो सपने आपके पूरे हों, सरकारी नौकरी हो या एक अच्छा लायक इंसान बनना हो। फिर भी आपको थोड़ा कहना चाहूँगा कि अगर आपकी संगत खराब है तो प्लीज़ उसे सुधार लेना, अच्छी संगत में लिप्त होना। फिलहाल आपकी संगत होनी चाहिए कुछ इस प्रकार की जो पढ़ाई से संबंधित है। मैं ये नहीं कहता कि सामाजिक जीवन कट कर दो, वो जरूरी है, जीवन में हर काम ही जरूरी होता है, दोस्त भी जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है, जीवन में हर प्रकार का जरूरी है, लेकिन फिलहाल आपके जीवन में कुछ ऐसे ही व्यक्ति होने चाहिए जो पढ़ाई से जुड़े हुए हो। क्योंकि फिलहाल आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका मेन एम है जॉब लगना या कामयाब होना या रोजगार पाना, सीधा सा उद्देश्य यही है। तो उसके लिए वही लोग आपके लिए ज़रूरी होंगे जो आप लोगों को इस फील्ड में आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज है उसी एजुकेशन से रिलेटेड। हाँ, बाद में जीवन में और बहुत स्तर आएंगे तो और स्तर में और लेवल के दोस्त आप बनाइएगा, वो चलेगा आपका, ठीक है। तो आप सभी को शुभ आशीर्वाद, भगवान आपकी हर जायज इच्छा पूरी करे। और स्टार आईक्यू की तरफ से आप सभी को एक तोहफा भी है आज ही के दिन। आप अगर स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स लेंगे आज के दिन तो आपको 50% की छूट मिलेगी। आप गुरुजी 50 कोड लगा लेना, किसी भी बैच के ऊपर आपको ये अप्लाई मिलेगा। तो आज ही के दिन आपके गुरुजी 50 कोड लगाना है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। सीटी मेंस है, 1100 एमसीक्यू बैच है, ग्रुप डी है, या कोई भी और बैच आप लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि वर्तमान में घग्गर नदी अपने लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण चर्चा में है। घग्गर नदी को किस राज्य का दुख कहते हैं? तो घग्गर नदी को हम लोग हरियाणा पंजाब का दुख कहा करते हैं, दोनों का ही। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किस विधानसभा क्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किया? तो राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किया अभी हाल ही में करनाल के अंदर। आप कहेंगे सर ये क्या होता है राहगिरी कार्यक्रम? देखो, राहगिरी कार्यक्रम का एक सीधा सा उद्देश्य होता है कि लोगों को इकट्ठा करना, इससे सामाजिक भाईचारा बढ़ता है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। इसके अलावा लोग इकट्ठे होते तो एक मेले के रूप में जिसको देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि इससे एक सिस्टमैटिक जो लाइफ है वो देखने को मिलती है, लोगों का भाईचारा दिखता है, लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाने का मौका मिलता है। इसके अलावा लोग नई नई योजनाओं से रिलेटेड है वो भी जागरूक होते हैं, पता लगता है कि क्या चीज़ें हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर का सामाजिक, आजकल लोग इंडोर रहते हैं, हर दिन
कमरे के अंदर बंद रहते हैं तो बाहर निकले, तो इससे थोड़ी व्यवस्थित जीवन शैली वो बन के आए। इसी के लिए राहगीरी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी कि करनाल से ही राहगीरी कार्यक्रम आयोजित किया। वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है डबरी। इस डबरी गांव में अभी कोई भी व्यायामशाला नहीं है, मतलब कोई जिम वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसी के लिए गांव के अंदर ना स्टेडियम है ना व्यायामशाला है, 2 एकड़ जमीन के ऊपर एक जिम या व्यायामशाला बनाई जाएगी, ऐसी मुख्यमंत्री जी की घोषणा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद कार्यक्रम में एक बात और भी कही है। अभी आपको पता है कि पेंशन कितनी चल रही है बुजुर्गों की, अभी चल रही है 2750 रुपये पेंशन चल रही है, तो कहा अगले 6 महीने में हम इसे जो ना बढ़ा देंगे और बढ़ा के इसे 3000 रुपये कर देंगे। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुमने तो 5,5100 का वादा किया था। तो बीजेपी कहते देखो हमने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया था, हमारा वादा 3000 का ही था और हम 3000 कर देंगे, वो बहुत है हमारा। पहले 2100-2200 होती थी, हमारे आने से लगभग 1000 रुपये बढ़ जाएगी, हमारा वादा यही है। हालांकि इसमें जेजेपी पार्टी इनके साथ ही सम्मिलित है, तो उनका कहना 5100 रुपये का ही था, तो लोग उन्हीं के लिए ही जेजेपी पार्टी को भी घेर भी रहे हैं कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है। हालांकि चुनावी मैनिफेस्टो में लिख तो बहुत सारी बातें देते हैं लेकिन ये पूरा नहीं करते, पहले से भी नहीं पूरा करते थे, लेकिन वर्तमान की जनता थोड़ी जागरूक हो गई है तो इस करके वो डायरेक्ट सवाल पूछती है मुंह पे ही कि आप नेता हो, आपने पहले या तो वादा किया क्यों, वादा किया तो इसको पूरा करो, इसका मतलब आपने एनालाइज नहीं किया कि किस प्रकार का डेटा है, ऐसे ही आपने तो मुंह उठा के वादा कर दिया, डेटा पे काम करना चाहिए ना। अब कई ऐसे कहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री जी का स्पेशली कहना है कि 5,5100 करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस लेवल का राजस्व या उस लेवल के लोगों को जनता को पैसा देना हमारे लिए ठीक नहीं बैठ पाएगा। तो इनके पास तो शायद कोई डेटा होगा, उनके पास कोई डेटा नहीं होगा, कौन सही कौन गलत है ये तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो खैर ये आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, करनाल का एक गांव है सिरसी गांव, कभी तुमने सुना होगा सिरसी, मुझसे भी पढ़ा होगा कभी। सिरसी गांव हरियाणा का नहीं बल्कि भारत का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना था, ये 26 जनवरी 2020 की बात है आपको अगर पता हो तो। करनाल के अंदर ना पहली बार ओपन जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था, ओपन जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप। जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा जी है जो लुजाने डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, याद हो तो आपको। और हरियाणा के अंदर पहली बार जो है ना खेलों के लिए स्पेशली एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी सेटअप होने वाला है। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे सेटअप होगा या कौन से जिले के अंदर सेटअप होगा तो भी उसका आंसर क्या रहेगा, आपका करनाल ही रहेगा, ये याद रखना। इसके अलावा करनाल के अंदर ही ना एक परशुराम महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था, जो एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है ना इसको आप लोग देख सकते हो करनाल के अंदर। ठीक है, और करनाल के अंदर ही हरियाणा का पहला ड्रोन पायलट सेंटर है वो भी ओपन किया गया। इसके अलावा ना करनाल का रेलवे स्टेशन भी है ना वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की थी। और इसके अलावा जो ना एक हमारा नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है वो भी आपका पूछा जाए कहाँ पे है, वो भी करनाल के अंदर है, ये भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़े दिन पहले ना नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट के अंदर एक गाय है, गंगा नाम की गाय है, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया भी था, ये गंगा गाय का क्लोन बनाया गया था ये करनाल वाले इसी के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे सवाल। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर में कि जगुआर लैंड ओवर में किस लीड इंजीनियर, हाल ही में लीड इंजीनियर के पद पे हरियाणा के कौन से जिले के साजिद का सिलेक्शन हुआ है। जगुआर लैंड रोवर जो है ना इसके अंदर अभी हाल ही में साजिद का सिलेक्शन हुआ है, और साजिद का सिलेक्शन हुआ है ये हरियाणा के कौन से जिले के हैं, ये जिले के हैं नूह जिले के हैं। ठीक है, लैंड रोवर के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना आप लोग जगुआर के बारे में जानते होंगे, और यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी है देखा जाए तो, और यहाँ पे चीफ इंजीनियर के पद पे सिलेक्शन हुए हैं नूह जिले के एक छोटे से गांव है सिकरवा, यहाँ से ताल्लुक रखते हैं साजिद हुसैन, इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन लेके या दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है जगुआर लैंड रोवर, जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, इसमें लीड इंजीनियर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी कंपनियों के अंदर काम कर चुके हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के अंदर, TCS कंपनी में भी इनको एक्चुअली ना महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से कई सारे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, XUV 700 है, XUV 300 में भी इन्होंने काम करने का मौका मिला था, कई सारी और जगह कार कंपनियों में भी काम किया था, इनको 16 से ज़्यादा अलग अलग अवार्ड से नवाजा जा चुका है, एक्सेलेंस अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड, फर्स्ट टाइम राइट डिज़ाइन, पेटेंट अवार्ड, इसके अलावा जो ना स्पोर्ट अवार्ड, ये कई सारे अवार्ड इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं।
इनके पिताजी जो है ना आस खान और बड़े भाई नासिर हुसैन जो दिल्ली पुलिस में हैं, उन्होंने कहते हैं कि बहुत मदद की है इनकी। तो नूह खैर एक बहुत ही देखा जाए तो एक पीछे का हिस्से में आता है साक्षरता दर के अगर आंकड़ों की बात करें तो। हम लोग नूह का जो सेटअप हुआ था ना खुद का, वो तो हुआ था 4 अप्रैल 2005 को हुआ था। जब ये सेटअप हुआ था तो स्टार्टिंग में मेयो जाति ज़्यादा थी इसमें, तो करके इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था। बाद में इसका नाम मेवात हुआ था और 2016 में सरकार ने इसका नाम बदल के मेवात से नूह कर दिया गया था। जनसंख्या इसकी लगभग 10 लाख से ज़्यादा में ही आता है और इसका एरिया लगभग 1507 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ मेवात की, तो मेवात जो है ना यहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 के अनुसार यहाँ पे 907 का लिंगानुपात रहा है, यही एक बड़ा आंकड़ा है यहाँ पे। हरियाणा की 20वीं जेल भी अगर पूछ ली जाए तो मेवात में ही खुली है, वो 14 फरवरी 2022 को खुली थी वो, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा का पहला कबाड़ केंद्र वो भी नूह के फिरोजपुर में खोला गया है, आपका सड़क मंत्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा, व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर जिसको आप लोग कह सकते हो। एक यहाँ की कोटला झील बड़ी फेमस है, कई बार पेपरों में आया कोटला, हालांकि अकेली कोटला नहीं है, एक संगेन या उजीना झील भी है, चंदेली झील भी है, लेकिन कोटला थोड़ी सी फेमस झील है यहाँ की। एक इंदौरी नदी भी जिले की थोड़ी फेमस नदी के रूप में आती है, तो उसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है। चलो सर आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एचएमसी एक्सेलेंस अवार्ड पहली बार किस पीजीआई डॉक्टर को दिया गया है। एचएमसी एक्सेलेंस अवार्ड पहली बार दिया गया है डॉक्टर रमेश वर्मा को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रमेश वर्मा को एचएमसी एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है, पीजीआई के डॉक्टर को ऐसा अवार्ड पहली बार ही मिला है। ये अवार्ड इनको मिला है इनके विशेष उपलब्धि और इनके काम की कुशलता के लिए दिया गया है ये अवार्ड। पहली बार 1 साल से कम उम्र के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था पीजीआई के अंदर, और इस ट्रायल का जो है ना रोटा वायरस पे भी ये ट्रायल जो है ना था, और इसी एक्सेलेंस के कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल, एचएमसी का मतलब है हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से अंबाला के अंदर डॉक्टर डे पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे ही डॉक्टर जी अनुपमा ने डॉक्टर्स को सम्मानित किया और डॉक्टर रमेश को जो है ना इस विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। 1 साल से कम उम्र के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल रोटा और ट्रायल रोटा वायरस के ऊपर किया गया था ये वाला। और इनके अलावा डॉक्टर रमेश वर्मा के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के 150 पब्लिकेशन भी प्रकाशित हो चुके हैं, 6 किताबें और अलग अलग नेशनल बुक में 7 चैप्टर भी इन्होंने लिखे हैं। 2011 में हैदराबाद में फेलोशिप अवार्ड भी इनको मिल चुका है, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। और पीजीआई के निदेशक का नाम है डॉक्टर HS लोहचब, ये भी जरूर याद रखना आप लोग। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस एज ग्रुप के कुंवारों के लिए पेंशन व्यवस्था स्टार्ट की है, तो इनमें से कौन सा एज ग्रुप है जिनके कुंवारे हैं, तो इनके लिए पेंशन व्यवस्था स्टार्ट की है 45 से 60। तो हरियाणा में अभी कितने पेंशन धारक है, हरियाणा में 18 लाख बुजुर्ग अभी पेंशन ले रहे हैं, 8 लाख से अधिक महिलाएं ले रही है विधवा पेंशन, 2 लाख दिव्यांगों को मिल रहा है पेंशन का लाभ हरियाणा में। हरियाणा में कुंवारों के लिए पेंशन शुरू करने और यहाँ के बिगड़े लिंगानुपात को भी जोड़ के देखा जा रहा है, हालांकि पिछले 10 सालों में हरियाणा के लिंगानुपात में 38 अंकों का सुधार भी हुआ है। 2011 में 879 था लेकिन वर्तमान में बढ़ के 917 हो गया है ये, हालांकि ये फाइनल नहीं हुआ है अभी तक के लिए, तो केवल जनसंवाद कार्यक्रम में कहा है कि हम ऐसा करेंगे, कब करेंगे अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ घोषणा जरूर हो गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड लागू किया है। इस हरियाणा राज्य में दिव्यांगजन के आयुक्त कौन है, और इनको पूरे भारत में बेस्ट दिव्यांगजन अवार्ड भी मिला था, इसलिए मैंने इस सवाल पढ़ाया आज आपको, राजकुमार मक्कड़ इस सवाल का ठीक है बी ऑप्शन सही है। हरियाणा के अंदर जो है ना एक अनोखा विकलांग या यूनिक विकलांगता के लिए जो है ना आपका या विकलांगता पहचान पत्र तैयार किया गया है, एक आइडेंटिटी कार्ड तैयार किया गया है, अनोखा मतलब यूनिक है, इसलिए UDID आपका ये यूनिक जो आपके डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड है। और ये यूनिक डिसेबल्ड आइडेंटिटी कार्ड जो है ये दिव्यांगजनों को नौकरी और किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ के लिए देना होगा, उनमें ये हेल्प करेगा, इसकी घोषणा की है राजकुमार मक्कड़ जी ने, याद रखना। PPP से 81,000 दिव्यांगों की शुरुआत हो चुकी है पेंशन, और इसके अलावा पेंशन भोगियों की संख्या 1,84,000 है, और मार्च में सरकार ने विकलांगता पहचान पत्र बनाने का भी फैसला लिया था, ये पिछला करंट अफेयर है। UDID हरियाणा में 1 जुलाई से एक्टिवेट हो गया है। हरियाणा में लगभग 5 लाख दिव्यांगजन, और इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटी में चल रहा है, लो फ्लोर बसेस भी चल रही है जिनमें दिव्यांगजन को चढ़ना आसान होता है,
यूनिवर्सिटी के अंदर आना, जैसे एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एक एमडीयू यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अंदर जाके कैंपस होते हैं ना इनके, इसलिए ठीक है। चलिए सर जी, इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आज का सेशन थोड़ा लेट हुआ क्योंकि सर्वर के इशू के कारण, ठीक है। और आपके लिए एक तोहफा आज और भी है, ज्ञान आईक्यू नाम की सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज सर्वर इशू के कारण आज लेट हो गई, एक्चुअली सुबह 8:30 बजे डालनी थी, पर मैं कल सुबह 8:30 बजे डालूंगा इसको। आज शाम को 8 बजे इसका सेशन लॉन्चिंग तो आज करूंगा ही करूंगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, इसी करके आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आप पढ़ेंगे हर रोज। तो आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर का तड़का तो मिलता रहेगा ही रहेगा, ये तो सुबह 5 बजे, लेकिन सुबह 8:30 बजे आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो शुक्रिया राधे राधे, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के भी जा रहा हूँ कि हाल ही में GST को लागू हुए 6 साल पूरे हो गए, 6 साल पूरे होने पर किस जिले में सेलिब्रेशन डे मनाया गया था, इस जिले के बारे में लिखिए, GST के बारे में भी लिखिएगा, GST मंत्री कौन है ये भी बताइएगा आप लोग। शुक्रिया राधे राधे, एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।